आप देख रहे हैं TNB। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होने जा रही है। हाई स्कूल की परीक्षा 6 अप्रैल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 12 अप्रैल को समाप्त होगी। मंगलवार माध्यमिक शिक्षा परिषद के निदेशक विनय कुमार पांडे ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का कार्यक्रम भी जारी कर दिया। बता दें कि दोनों परीक्षाओं के लिए कुल 51,92,689 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं। खास यह है कि प्रयोगात्मक परीक्षा इस बार लिखित परीक्षा के बाद आयोजित की जाएगी। परीक्षा CCTV कैमरों की निगरानी में होगी और सभी परीक्षा केंद्रों की वेबकास्टिंग भी की जाएगी। तो आइए जानते हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा की समय और तिथि। 24 मार्च सुबह 8 से 11:15 के बीच हिंदी, प्रारंभिक हिंदी और सैन्य विज्ञान की परीक्षा होगी। 24 मार्च अपराह्न 2 बजे से 5:15 पर हिंदी और सामान्य हिंदी का एग्जाम होगा। 25 मार्च सुबह 8 बजे से 11:15 के बीच पाली, अरबी, फारसी, संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य कला का एग्जाम होगा। 25 मार्च को अपराह्न 2 बजे से 5:15 पर संगीत गायन सामान्य आधारित विषय। इसी के साथ प्रथम प्रश्न पत्र कृषि शस्य, षष्ठम प्रश्न पत्र कृषि भाग 2 के लिए एग्जाम लिया जाएगा। 26 मार्च सुबह 8 बजे से 11:15 के बीच गृह विज्ञान और इसी के साथ उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, असामी, उड़िया, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली का एग्जाम होगा। 26 मार्च अपराह्न 2 बजे से 5:15 के बीच लेखा शास्त्र नया पाठ्यक्रम, इसी के साथ बही खाता और लेखा शास्त्र पुराना पाठ्यक्रम के एग्जाम होंगे। 28 मार्च सुबह 8 बजे से 11:15 पर चित्रकला, रंजन कला, भूगोल का एग्जाम होगा। 28 मार्च अपराह्न 2 बजे से 5:15 पर कंप्यूटर व्यवसाय अध्ययन नया पाठ्यक्रम, इसी के साथ गृह विज्ञान और व्यापारिक संगठन और पत्र व्यवहार पुराना पाठ्यक्रम का एग्जाम होगा। 29 मार्च सुबह 8 से 11:15 पर संस्कृत, चित्रकला प्रावेदिक, रंजन कला का एग्जाम होगा। 29 मार्च अपराह्न 2 बजे से 5:15 पर संगीत वादन, अर्थशास्त्र और वाणिज्य भूगोल पुराना पाठ्यक्रम के लिए एग्जाम लिए जाएंगे। 30 मार्च सुबह 8 बजे से 11:15 के बीच वाणिज्य, पाली, अरबी, फारसी का एग्जाम होगा। 30 मार्च अपराह्न 2 बजे से 5:15 पर सिलाई अंग्रेजी नया पाठ्यक्रम, अंग्रेजी पुराना पाठ्यक्रम होगा। 31 मार्च सुबह 8 से 11:15 पर कृषि, गणित और प्रारंभिक सांख्यिकी पुराना पाठ्यक्रम के लिए एग्जाम लिए जाएंगे। 31 मार्च अपराह्न 2 बजे से 5:15 के बीच मानव विज्ञान, रिटेल ट्रेडिंग, सुरक्षा, ऑटोमोबाइल्स, आईटी, आईटीएस, हेल्थ केयर, इतिहास का एग्जाम होगा। 1 अप्रैल सुबह 8 बजे से 11:15 के बीच औद्योगिक संगठन पुराना पाठ्यक्रम एग्जाम लिए जाएंगे। 1 अप्रैल अपराह्न 2 बजे से 5:15 के बीच सस्य विज्ञान, मानव विज्ञान, कृषि अभियंत्रण चतुर्थ प्रश्न पत्र के लिए एग्जाम लिए जाएंगे और इसी के साथ प्रश्न पत्र जो कि कृषि भाग 2 के लिए होंगे। 4 अप्रैल सुबह 8 से 11:15 के बीच विज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, तर्क शास्त्र का एग्जाम होगा। 4 अप्रैल अपराह्न 2 बजे से 5:15 के बीच जीव विज्ञान और गणित का एग्जाम होगा। 6 अप्रैल को सुबह 8 से 11:15 के बीच अंग्रेजी नया पाठ्यक्रम, अंग्रेजी पुराना पाठ्यक्रम, फल और खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र, परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई एवं रंगाई, बेकिंग और कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण और शिशु प्रबंध, पुस्तकालय, विज्ञान, बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्मिक, रेडियो, रंगीन फोटोग्राफी, रंगीन टेलीविजन, ऑटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेयरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीट पालन, बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, अकाउंटेंसी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, अश्वलिपि एवं टंकन, विपणन और विक्रय कला, सचिवी पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकन हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रण, कुलाल विज्ञान, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, एम्ब्रॉयडरी हैंड, ब्लॉक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबल ड्राइंग, धातु शिल्प, कंप्यूटर तकनीक और मेंटेनेंस, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव, खुदरा व्यापार सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन और
आदित्य ITIITS हेल्थ केयर प्रथम प्रश्न पत्र का एग्जाम होगा। 6 अप्रैल अपराह्न 2 बजे से 5:15 के बीच कंप्यूटर कृषि वनस्पति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र का एग्जाम किया जाएगा। इसी के साथ कृषि अर्थशास्त्र सप्तम प्रश्न पत्र के लिए एग्जाम लिए जाएंगे। 7 अप्रैल सुबह 8 बजे से लेकर 11:15 के बीच बीमा सिद्धांत एवं व्यवहार पुराना पाठ्यक्रम के लिए एग्जाम लिए जाएंगे। 7 अप्रैल अपराह्न 2 बजे से 5:15 के बीच अर्थशास्त्र भौतिक विज्ञान का एग्जाम होगा। 8 अप्रैल सुबह 8 बजे से 11:15 के बीच फल एवं खाद्य संरक्षण पाक शास्त्र परिधान रचना एवं सज्जा धुलाई और रंगाई बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी टेक्सटाइल डिजाइन बुनाई तकनीक नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबंध पुस्तकालय विज्ञान बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्मिक इसी के साथ रंगीन फोटोग्राफी रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन ऑटोमोबाइल्स मधुमक्खी पालन डेयरी प्रौद्योगिकी रेशम कीट पालन बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी फसल सुरक्षा सेवा पौधशाला भूमि संरक्षण अकाउंटेंसी एवं अंकेक्षण बैंकिंग अशुलिपि एवं टंकन विपणन और विक्रय कला सचिवीय पद्धति बीमा सहकारिता टंकन हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रण कुलाल विज्ञान कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक एम्ब्रॉयडरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबल डाइंग धातु शिल्प कंप्यूटर तकनीक एवं मेंटेनेंस घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव खुदरा व्यापार सुरक्षा मोबाइल रिपेयरिंग पर्यटन एवं आतिथ्य ITIITS हेल्थ केयर द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए एग्जाम लिए जाएंगे। 8 अप्रैल अपराह्न 2 बजे से 5:15 के बीच अधिकोषण तत्व पुराना पाठ्यक्रम कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान तृतीय प्रश्न पत्र के लिए एग्जाम लिए जाएंगे जिसमें कृषि जंतु विज्ञान अष्टम प्रश्न पत्र भी होंगे। 9 अप्रैल सुबह 8 से 11:15 के बीच सामाजिक विज्ञान काष्ठ शिल्प ग्रंथ शिल्प सिलाई शिल्प फल एवं खाद्य संरक्षण पाक शास्त्र परिधान रचना एवं सज्जा धुलाई और रंगाई बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी टेक्सटाइल डिजाइन बुनाई तकनीक नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबंध पुस्तकालय विज्ञान बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्मिक रंगीन फोटोग्राफी रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन ऑटोमोबाइल्स मधुमक्खी पालन डेयरी प्रौद्योगिकी रेशम कीट पालन बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी फसल सुरक्षा सेवा पौधशाला भूमि संरक्षण अकाउंटेंसी एवं अंकेक्षण बैंकिंग अशुलिपि एवं टंकन विपणन तथा विक्रय कला का एग्जाम लिया जाएगा। इसी के साथ सचिवीय पद्धति बीमा सहकारिता टंकन हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रण कुलाल विज्ञान कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक एम्ब्रॉयडरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबल डाइंग धातु शिल्प कंप्यूटर तकनीक एवं मेंटेनेंस घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव खुदरा व्यापार सुरक्षा मोबाइल रिपेयरिंग पर्यटन एवं आतिथ्य ITIITS हेल्थ केयर तृतीय प्रश्न पत्र शिक्षा वर्ग के लिए एग्जाम लिए जाएंगे। 9 अप्रैल अपराह्न 2 बजे से 5:15 पर संस्कृत कृषि गणित और प्रारंभिक सांख्यिकी पंचम प्रश्न पत्र कृषि भाग 1 के लिए कृषि रसायन विज्ञान दशम प्रश्न पत्र का एग्जाम होगा। 11 अप्रैल को सुबह 8 बजे से लेकर 11:15 के बीच गुजराती उर्दू पंजाबी बंगला मराठी असामी उड़िया कन्नड़ कश्मीरी सिंधी तमिल तेलुगु मलयालम नेपाली फल एवं खाद्य संरक्षण पाक शास्त्र परिधान रचना एवं सज्जा धुलाई और रंगाई बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी टेक्सटाइल डिजाइन बुनाई तकनीक नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबंध पुस्तकालय विज्ञान बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्मिक रंगीन फोटोग्राफी रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन ऑटोमोबाइल्स मधुमक्खी पालन डेयरी प्रौद्योगिकी रेशम कीट पालन बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी फसल सुरक्षा सेवा पौधशाला भूमि संरक्षण अकाउंटेंसी एवं अंकेक्षण बैंकिंग अशुलिपि एवं टंकन विपणन और विक्रय कला सचिवीय पद्धति बीमा सहकारिता टंकन हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रण कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक एम्ब्रॉयडरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबल ड्राइंग धातु शिल्प और कंप्यूटर तकनीक के साथ मेंटेनेंस घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव खुदरा व्यापार सुरक्षा मोबाइल रिपेयरिंग पर्यटन एवं आतिथ्य ITIITS हेल्थ केयर चतुर्थ प्रश्न पत्र के लिए एग्जाम लिए जाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।